नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली बर्गर किंग शूटआउट, एक आरोपी अरेस्ट, 3 की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसा, पुलिस ने आईपीसी की धारा 304A 337 के तहत केस किया दर्ज। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से हुए रिहा, 31 जनवरी को हुए थे अरेस्ट। दिल्ली में जलभराव पर इमरजेंसी बैठक, एलजी ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां की रद्द। धार्मिक स्वतंत्रता पर ज्ञान दे रहे अमेरिका को भारत ने फिर लगाई फटकार, कहा पुरानी घटनाओं के माध्यम से गढ़ा गया नैरेटिव। डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्री होंगे अगले विदेश सचिव, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। अयोध्या में जलभराव पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, बीजेपी सरकार को कह दी बड़ी बात। यूपी में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरा कैंटर अनियंत्रित होकर खाई में पलटा, 18 घायल, 5 भक्तों की हालत गंभीर। महाराष्ट्र बजट में ऐलान, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह भत्ता, 5 लोगों के परिवार के लिए 3 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।